गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड से देखते हैं। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज कर्व्स एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 4 एंड द वाई एक्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले तो ये पहचानेंगे भाई किस किसका कर्व कैसे ड्रा होगा, ये क्या है पाराबोला है, कौन सा अपवर्ड पाराबोला है ऑन वाई एक्सिस। तो देखो लिख लेते हैं पहले द गिवन इक्वेशन आर आर क्या क्या गिवन इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, ये इक्वेशन फर्स्ट, फिर y इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड, y इज इक्वल टू 4 थर्ड, एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये क्वेश्चन में और जो हमने एक्सरसाइज के जो फर्स्ट टू क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में वो क्या थे, वो एक्स एक्सिस पर था, मतलब जो शेडेड रीजन बनेगा बाउंडेड रीजन था। अब ये देखो वाई के ऊपर आएगा, बस इतना सा चेंज होगा। तो पहले तो इसका फिगर ड्रा करते हैं। ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन। अब देखो क्या है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, तो अपवर्ड पाराबोला, ये अपवर्ड पाराबोला मीन्स एक्स एक्सिस के अबोव ऑन वाई एक्सिस। ये हमने पाराबोला ड्रा कर लिया। ये आपका एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, फिर क्या है देखो लाइन क्या है, वाई इज इक्वल टू 2, तो वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। सपोज करो 2 यहाँ है तो वो वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। अगर एक्स में गिवन है तो वाई के पैरेलल, वाई में गिवन है तो एक्स के पैरेलल, इस टाइप से हो जाएगी। और ये इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 2, फिर नेक्स्ट क्या है y इज इक्वल टू 4, सपोज करो 4 यहां होगा तो इसके पैरेलल ड्रा कर लेंगे हम लोग। और ये y इज इक्वल टू 4, y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो शेडेड रीजन देखो ये वाला हो जाएगा, फिर अब देखो फर्क क्या पड़ेगा, जो स्ट्रिप ड्रा करेंगे वो हॉरिजॉन्टल ड्रा करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ऐसे ड्रा कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रा करेंगे। अब जिसकी विड्थ तो क्या हो जाएगी, अब डी वाई, और हाइट क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी इस टाइम पे, ठीक है ना, क्योंकि जो हम लोग स्ट्रिप ड्रा कर रहे हैं वाई एक्सिस पे ड्रा कर रहे हैं, अब क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो है ही नहीं, ठीक है ना, y एक्सिस पे, तो इसलिए ऐसे स्ट्रिप ड्रा करेंगे। तो इसका एरिया तो हमें पता है x इंटू डी वाई हो जाएगा। फिर सिमिलरली प्रोसीजर जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे फर्स्ट टू क्वेश्चन में वैसे करेंगे। तो लिख लेते हैं द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 4 एंड
y axis in the first quadrant. Is given by क्या होगा इंटीग्रल. आप देखो लिमिट का हमें ध्यान रखना. अब इसमें अब ये क्या टू है ना, उसमें तो हम लोग क्या लेते थे, देखो लोअर से अपर ही लेंगे, मतलब लोअर इसकी क्या टू, टू से फोर तक है ना. अब इस कर्व की देखेंगे ना लिमिट, तो टू से फोर मतलब यहाँ एक्स वाई इजिकल टू टू है, ये वाई इजिकल टू फोर है, तो टू से फोर तक हो जाएगी. और इसका स्ट्रिप का एरिया एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा. तो दैट इज इसको ऐसे लिखा जा सकते हैं, इसके का नेम रख लेते हैं ए बी सी एंड डी. तो इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ कर्व ए बी सी डी ए इज इक्वल टू, कर्व में हमेशा जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं दोबारा नियम आता है ए तक. तो इंटीग्रल टू टू फोर एक्स लिख लेते एक्स स्टेप और एक्स डी वाई टू टू फोर. अब एक्स देखो, एक्स हम लोग यहाँ से निकालेंगे रूट फोर वाई हो जाएगा, रूट फोर वाई माना इक्वेशन फर्स्ट में भी यही है ना. तो क्या किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लिया, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू देखो फोर का रूट तो टू हो गया, इंटीग्रल टू टू फोर क्या बच गया रूट वाई डी वाई टू इंटीग्रल टू टू फोर, रूट का मतलब क्या होता है हाफ पावर डी वाई, इंटीग्रल करेंगे इसका तो क्या बनेगा, पावर में वन ऐड कर देंगे थ्री बाय टू, डिवाइड बाय थ्री बाय टू करेंगे तो ये टू बाय थ्री हो जाएगा मल्टीप्लाई में करेंगे, और इसकी लिमिट पुट कर लेंगे टू टू फोर. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन गया आपके पास टू बाय थ्री, वाई के प्लेस पे फोर आ गया, फोर इज पावर थ्री बाय टू माइनस फिर वाई के प्लेस पे लोअर लिमिट टू आ जाएगा टू इज पावर थ्री बाय टू. तो टू बाय थ्री, फोर का पहले रूट कर लेते हैं मीन्स वन बाय टू को सिंप्लीफाई किया तो टू आ गया, टू का क्यूब एट हो जाएगा, टू का रूट हो जाएगा पहले वन बाय टू को सिंप्लीफाई रूट टू, रूट टू का क्यूब तो टू रूट टू हो जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करें, इसमें एक टू ये था ना, जो ये भी रह गया यहाँ पर, ये टू हमने डबल था ना ये, तो ये फोर हो जाएगा. तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे एट फोर जा थर्टी टू माइनस फोर टू जा एट रूट टू, तो इसके डिवाइड में भी थ्री और इसके डिवाइड में भी थ्री, तो ये आपके पास आंसर आ गया स्क्वायर यूनिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एलसीएम लेके भी करना चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट थ्री कर ले माना थर्टी टू माइनस एट रूट टू डिवाइड बाई थ्री, वो भी सही है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में कहता फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स. अब ये इलिप्स गिवन है आपके पास, अब बाकी की इक्वेशन नहीं गिवन है, तो लिखते हैं द गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस में वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर, देखो इसको क्या चेंज कर सकते हैं, फोर स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन थ्री स्क्वायर. अब ये देखो ए ग्रेटर देन बी है
माना हम लोग जो इक्वेशन करते हैं एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, अगर ये ग्रेटर देन है तो उसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होगा। तो माना अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करें, माना फिगर ड्रा करें, तो देखो पहले वो इस तरह से होगा, y एक्सिस, x एक्सिस, तो वो इस टाइप से होगा आपका। फिर इसका जो मेजर एक्सिस है वो आपका x एक्सिस हो जाएगा, ये ओरिजिन हो गया इस टाइप से। अब हमें इससे बाउंडेड एरिया क्या, ये सारा ही बाउंडेड है, मीन्स हमें ये एरिया निकालना है। क्योंकि इलिप्स है तो ये सारा ही रीजन जो है बाउंडेड है, तो इसका एरिया निकालना है हमें। इसका एरिया निकालने के लिए देखो बेसिक में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी, उनका हम लोग यूज करेंगे फिर भी अब इसमें निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक्स का स्क्वेयर हो तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, वाई का स्क्वेयर हो तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, दोनों का स्क्वेयर हो तो दोनों के सिमेट्रिक होता है, एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस के भी। तो हम लोग क्या करेंगे, माना अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हैं तो इसका एरिया इन सब के इक्वल होगा। मतलब अगर हमें एक पोर्शन का अगर एरिया पता लग जाए, फोर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो देखो पहले उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले एक का निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें स्ट्रिप की जरूरत पड़ेगी। इसमें हम लोग दोनों में से किसी भी पर भी वर्टिकल भी ड्रा कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ड्रा कर सकते हैं, मर्जी होती है हमारी, कैसे भी ड्रा कर ले। तो ये हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा कर लेते हैं जिसकी विड्थ जो है डी एक्स है और हाइट वाई है। तो इसको लिखते हैं फिर, द एरिया बाउंडेड बाय बाउंडेड बाय द इलिप्स इज, अब देखो इस इलिप्स का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका नेम रख लेते हैं इस पोर्शन का, ओ तो है ही है, इसको ए रख लेते हैं, इसको बी रख लेते हैं। तो इस कर्व से बाउंडेड एरिया क्या हो गया, ओ ए बी ओ ए कर्व हो गया ना, ये इसका एरिया हो जाएगा, इज 4 इंटू में एरिया बाउंडेड बाय, ये 4 इंटू में ना एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व ओ ए बी ओ ए बी ओ। एक तो इस कर्व से बाउंडेड है, माने इस कर्व से, और फिर ऑर्डिनेट देख लेते हैं, एंड ऑर्डिनेट एक तो क्या, देखो इसकी लिमिट देखेंगे ना, इसकी ग्राफ की लिमिट क्या है, जीरो से ये ए तक आया, यहाँ पे ए देखते हैं अब क्या है, ए हमने ये ए होता है तो इसके कोऑर्डिनेट तो क्या बनेंगे 4 0, और बी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 0 और 3, माना क्योंकि बी 3 है, ठीक है ना। तो एक्स इज इक्वल टू क्या, एक तो 0 आएगा, हम तो एक्स की लिमिट देख रहे हैं ना क्योंकि स्ट्रिप एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो 0 2 4 हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4। अब ये 4 टाइम्स क्यों किया, तो इसका रीजन बताएंगे, बिकॉज इलिप्स इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, बोथ
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसलिए हमने एक पोर्शन का निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बाउंडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। एरिया निकालने के लिए हमें वाई की रिक्वायरमेंट होगी तो वाई निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट से देखते हैं, लिख लेते हैं पहले फर्स्ट को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या चाहिए? वाई स्क्वेयर चाहिए, तो वाई स्क्वेयर अपॉन 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 स्क्वेयर। यहाँ से वाई स्क्वेयर अपॉन 3 बाई 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस दिस, तो ये इस टाइप से आ गया। इसका एलसीएम लिया 4 स्क्वेयर, तो ये बन गया 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। क्या चाहिए हमें? वाई चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे वाई की, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू पहले 3 का स्क्वेयर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 का स्क्वेयर है इंटू 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको हमने लिया 3 का स्क्वेयर, हमने मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ, तो वाई क्या हो जाएगा, तो 3 का इसका स्क्वेयर रूट हो जाएगा, तो ये तो 3 बाय 4 हो जाएगा और इसका स्क्वेयर रूट 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। तो एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स, एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स इज 4 इंटू में इंटीग्रल, लिमिट क्या थी, लिमिट है 0 to 4, इसका निकालना। तो वाई एक्सिस पर वैल्यू क्या है, 0 से 4 तक है एक पोर्शन का, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और स्ट्रिप का एरिया वाई इंटू डी एक्स। तो इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल 0 to 4, वाई की वैल्यू हमने निकाल ली 3/4 इंटू रूट 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं, 0 to 4 रूट 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो ये 3 इंटू, अब देखो इसका फार्मूला रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का जो फार्मूला यूज हो जाएगा फिर, तो वो क्या होता है, पहले उसको लिख लेते हैं, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स क्या होता है, एक्स बाई टू सेम, रूट के अंदर सेम ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर का कोफिशियंट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, प्लस में सी होता था पर ये डेफिनेट है इसलिए सी यूज नहीं होगा फिर इसमें, तो ये हो जाएगा फिर उसके हिसाब से एक्स बाई टू, नहीं सॉरी एक्स बाई टू सेम 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर, ए क्या है 4 ही है, तो 4 स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ए के प्लेस पे 4 है और लिमिट क्या है 0 to 4। अब लिमिट पुट कर लेते हैं 3 इंटू, देखो पहले 4 पुट करना है, यहाँ 4 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर ये तो 0 आ गया, प्लस इधर रखते हैं 4 स्क्वेयर मीन्स 8 हो गया ना, 8 बाई 2 साइन इनवर्स 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4/4 1 आ जाएगा, ये तो हमने अपर लिमिट रखी। अब लोअर लिमिट 0 रखते हैं, ये 0 हो गया सारा,
साइन इनवर्स ये भी जीरो हो जाएगा, माने ये ओवरऑल जीरो आ गया सारे का सारा ही, क्योंकि यहाँ जीरो है मल्टीप्लाई किया जीरो, ये साइन इनवर्स ये जीरो हो गया, साइन इनवर्स जीरो जीरो ही होता है, तो इसलिए वो भी जीरो हो गया। तो ये बन गया आपके पास थ्री, इसको लिख लेते हैं, एट बाय टू फोर आ जाएगा, ये सॉरी फोर का स्क्वेयर था ना, तो ये सिक्सटीन है, फोर इंटू टू नहीं है सिक्सटीन है, फोर का स्क्वेयर ये सिक्सटीन आएगा, तो इसको डिवाइड किया तो ये एट आ जाएगा, साइन इनवर्स वन वो आपका पाई बाई टू होता है, ये जीरो है इसको छोड़ देंगे हम लोग, तो ये टू फोर जा, तो थ्री फोर जा ट्वेल्व पाई, तो एरिया है ना तो स्क्वेयर यूनिट्स, तो ये आपके पास आंसर है।